2022 और समय हो गया है 09:23 PM। ये तेजेंद्र पाल बग्गा वाली जो बात है ना, तुम क्या कह रहा, तू मेरे भाई क्या कह रहा मेरे को, मैं तेरे को जानता नहीं भाई, तुझे मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। मेरे मकान में जो किराएदार रखवाए थे, तू उस बग्गा से कनेक्ट नहीं था है? हाँ बे, निहारिका मैसी और कैरोल मैसी की जो रिश्तेदार थी बग्गा, तू पैसे नहीं दे रहा था उसे, बताऊं तेरे को अभी? ये बड़े दिन से दिमाग लगा के बैठा था। देखो साहब, ऐसा मेरी बात सुनो, आप बग्गा साहब हैं, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है? होगा बग्गा लिंक वाला आपका वो रिश्तेदार होगा, सुन मैं मान ली बात आपकी, मेरी बात सुनिए बग्गा साहब। देखिए, आपका बेटा जो है ना लिमिट पार कर रहा था, मतलब मेरे ऊपर जो है, मेरे घर की जासूसी, मेरी जासूसी, यहां उसने कॉलोनी के अंदर दिल्ली पुलिस को चैलेंज दे रहा है। इनको क्या पता, दिल्ली पुलिस वालों को चैलेंज दे रहा है, यहां पुलिस का थाना बनवा रहा है। जी हाँ, मेरे मकान में जो किराएदार था निहारिका मैसी और क्या कहते हैं कैरोल मैसी, दो बहनें थीं, मुझे क्या पता भाई, उन्हें नेहा नाम बताया आपने, मुझे लगा भाई हिंदू है, बाद में पता लगा कि वो क्या कहते हैं निहारिका मैसी है, वो ईसाई है। वह तो मकान भी नहीं देता किराए पे ईसाई को, तो एक बार को मैं मुसलमान को दे देता किराए पे, ईसाई को नहीं देता मैं। दिवाली वाले दिन जान मुझ के वो जो है कैरोल मैसी मेरे घर में जो है ऊपर फ्लोर पे बीफ बना रही, रख कुछ तो तमीज रख। और उसकी जानकार बग्गा यही रहती मंदिर के पास, तू जानता नहीं था तेजेंद्र पाल बग्गा? आईबी वालों लो इसको रिमांड में दो, तुझे हम बताते हैं ना अभी। बग्गा साहब ऐसा है, मेरी सलाह है आपको, आप अपना हाथ पीछे ही रखना और अपने घर परिवार को बोलो भूल जाए इसे, इधर पीछे मारेंगे बहुत हम, भेजो आईबी वालों लो इसको पंजाब पुलिस से, इसकी खुमारी हम उतारते हैं आज। उसके बाद इसने क्या करा, आईएसआईएस सुन लीजिए, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के लिए ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बीजेपी के झंडे के साथ घुमवा रहा। तू नहीं था वो आदमी तो कौन था बताइयो? एसपीजी बना फिर रहा है, ये है तेजेंद्र पाल बग्गा की हकीकत। ये अगर खालिस्तानी ग्रुप में भी होता तो मारते बहुत खालसा इसको, अब तक तो काट देते इसे। आपको पता क्या खालसाओं के बारे में, अगर खालसाओं को पता लग जाए ना कि हितेश से पंगा लिया है, घर से निकाल के काट देंगे वो लोग। मैं उनको बटरिंग नहीं कर रहा, मुझे मालूम है ना उस दिन जिस सरदार ने मेरे से पंगे लिए थे उसके साथ क्या हाल किया उन्होंने। बग्गा साहब, इसको मैंने 100 बार जो है हिंट दिया था, और आज से नहीं 2 या 3 साल हो रहे, मैं तब भी इसको हिंट दे रहा था, मैं उस औरत को भी हिंट दिया था। मैं तो दिमाग मत लगाइयो बिल्कुल भी। वो पता है क्या, मेरे मकान को मुझे किराएदार बोल रही वो बग्गा जो है, पूछो इससे नहीं जानते आप उसे, बताओ बग्गा साहब, या बुलवाऊं आपको भी आईबी ऑफिस? तेजेंद्र पाल बग्गा को लो ए पंजाब पुलिस से आईबी वालों, छूटना नीचे बंदा, बहुत पूछा से किस किस को लगाया इसने, दिमाग लगा रहा है। ये फरार था, ये भगा फिर रहा था, ये फरार था, आप समझ रहे हो बात को बग्गा साहब? इंटरपोल वाले आज से नहीं ढूंढ रहे से,
आईबी वालों लो उसको रिमांड पे। बड़े तरीके से चैनल करके पैसा उसको, और मेरे मकान में जो है मुझे ही जो है किराएदार बता रही वो बग्गा। आईबी बुला उसको भी लेके जा, पुलिस की मुखबर बन रही। तो हम कौन है फिर? मैंने फिर भी कहा यार किराएदार है कोई बात नहीं यार, मैं कहा इनसे मेरे को क्या ज्यादा दिमाग लगाना। तो फिर दिमाग लगा रही, फिर दिमाग लगा रही, उठा उसको आंसू को भी लेके जा। वो बग्गा और आंसू ने, आप जानते नहीं बग्गा साहब, आईबी लो उसको रिमांड पे, अपने आप बकेंगे सब। तो हम बताते हैं ना आईबी की रिमांड होती क्या है। आराम से सारी सुपरवाइज सुन रहा है। अबे भाई सुपरवाइज पुलिस वालों की होती है, सब कुछ पुलिस से रिलेटेड होता है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सुपरवाइज का पैसा भी लाना ले जाना, इस सारी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। मैंने इसलिए आज जो है एनवाईपीडी और इंटरपोल कॉल कर दी मैंने पंजाब पुलिस में, तुम ढिलाई बरतो तो सही। ये जो तजेंद्र पाल बग्गा है, मैं बताता हूं आपको, आराम से निहारिका मैसी और कैरोल मैसी को भेज दिया ताकि मेरे ऊपर जो है असॉल्ट का केस बना सके। निहारिका मैसी रेप केस लगवाने में बड़ी माहिर, वाह भाई वाह। और वो खुद जो है बच्चे बेचने के केस में पकड़ी गई थी आश्रम पे। जी हाँ, स्पेशल स्टाफ ने पकड़ा था उसे। बच्चे चोरी करने का काम था निहारिका मैसी का, और इसी काम में आपका बेटा तजेंद्र पाल बग्गा इन्वॉल्व है। वहां पे वो सरदार कौन था भाई, किसके यहां बुलाया था मेरे बेटे को जन्मदिन पे? हैं? और बाद में कह रहे बहाने से मेरे बेटे को रोक लिया एक घंटे के बजाय 3 घंटे, कह रहे उसे पता नहीं किस घर में गया है। अबे यहां इतने लोग नहीं रहते जितने यहां सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं। तेरी बढ़िया से धूल उतारेंगे, तू रुक तो सही। फिर उसके बाद वो लड़की क्या नाम है अपूर्वा सिंह के साथ फोटो वायरल कर रहा है। ज्यादा दिमाग लगा रहा तू, अब क्या करेगा? बन गया नेता हैं? बन गया नेता? अब तेरे इस मोदी को तुम कुछ समझते नहीं, जिसके टी शर्ट पहने घूम रहा तू, तुझे और समझेंगे हम। वाह भाई वाह, बग्गा साहब कागज पेन लेके बैठ जाओ और जो जो अब तक किया चुपचाप लिख के दे देना, उम्र का लिहाज कर रहा हूं, ठीक है? और घर पे बैठिए आराम से। मुझे नहीं पता आपके ऊपर असॉल्ट हुआ क्या हुआ, जो भी हुआ अरेस्ट के दौरान हो जाता है, ठीक है? आपके घर परिवार के लोग आराम से सुपरवाइज चला रहे हैं। एक लड़के को नेता बनाना था, क्रिमिनल क्यों बना दिया? किसी भी व्यक्ति की जासूसी करना कानूनन अपराध है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो चाहे ना हो। बताओ यार,
आराम से कर, आईएस आईएस हम बनवा देंगे यहाँ पे। ओहो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे सुपरवाइज सुन ले, और वहां वो क्या नाम है कौसर मंजिल के वहां बीजेपी का थाना बना के बैठ रहे, फिर इसी मेरे मकान के नंबर पे एक और मकान है उधर, वो पुराना नंबर 4 नंबर है और मेरा पुराना नंबर 204 है, मैंने मकान चेंज नहीं किया। वहां बीजेपी के बंदे पुलिस का कंट्रोल रूम चला रहे हैं, कहां बने फिर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ओह अब नेता ही बन ले, अब आई भी वाले बनाएंगे तेरे को रात भर बढ़िया से नेता, चलने लायक नहीं रहना चाहिए। और कौन कौन शामिल थे तेरे साथ पुलिस वाले, बुलाओ यहां के बीट अफसर को, चतरू का बीट अफसर कौन है, बुलाओ आईबी वालों, लेकर जाओ उनको भी। यहां चार पुलिस थाने चल रहे हैं, एक कौसर मंजिल, एक मेरे घर के सामने पुलिस कंट्रोल रूम, एक A204 गली नंबर 1 में जो मकान नंबर 4 है, सब इन्हीं की करतूत है। पुलिस वालों को टक्कर देने चल रहा है, बुलाए बीट अफसर को, इसको बुलाए चौकी पे, कौन है अभी कौन खड़ा था चौकी पे, चलो आईबी ऑफिस पहुंच, सुपरवाइज दे रहा पहचानता नहीं मेरे को, चल चल चल, हम बताते ना तेरे को ड्यूटी कैसे की जाती है। यहां बुलेट गैंग चला रहे हैं, बुलेट गैंग, मैं कहा देखू तो सही कौन कौन है, 3 थाने हो गए, 4th थाना मेरे घर के बगल में चल रहा रेनू, वो तू बेकू समझ रहा है क्या मेरे को, ये ब्राउन खिड़की वाले ब्राउन बेल्ट का थाना चला रहे हैं, वहां पुलिस वाले पहुंच रहे हैं, पुलिस वाले बन के मैं देख रहा हूं, मैं यार ये लग तो रहा नहीं है, पुलिस वालों की पल्सर वहां जाके खड़ी हो रही है, क्यों भाई। आईबी वाले अपने आप उठा लेंगे, क्या बात कर रहा तू, आराम से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे बीजेपी का झंडा लगा के आईएस आईएस कह रहा, बस एक बार स्कॉर्पियो लेके तो निकल जा वहां से, देखते हैं किस्मत दम है। अरे बाप, वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आईबी की नहीं है, आईएस आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जी हाँ भारत में बना रहा है ये मोदी। रोको सारी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस देखो कितनी ब्लैक स्कॉर्पियो सेल हुई है, पता करो, और सबकी मेंबरशिप चेक करो बीजेपी के हैं कि नहीं है। बुलाओ इनको भी, हाँ ये पकड़ा ना तेजिंदर पाल बग्गा नेटवर्क, अभी धर्मेंद्र तेरी भी ऐसे ऐसी करता हूँ, रुक तो सही, विनय जॉय मैसी कनेक्टेड है, ये हुआ बग्गा नेटवर्क फुल, तेजिंदर पाल बग्गा आईएस आईएस।
बुला ले मैदानगढ़ी थाना, कौन कौन है भाई? अगर सुपर आज के बाद किसी पुलिस वाले ने मेरे को सुपरवाइज दी ना, तो पहले सल्यूट कर लेना, वरना नौकरी गई समझो तुम्हारी। ले जाओ उस लड़के को भी, चले चल चल चल। यार सुप्रीम कोर्ट के जज को तो कुछ समझते नहीं एक, हाँ जाटवर का कॉन्स्टेबल। चल चल लेके जा उसको भी। आए मैदान, ये क्या कहते हैं, नेपसराय वाली रोड पे मैदानगढ़ी वहाँ के जो चौकी पे खड़ा। चल 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 आई बी ऑफिस पहुँच, वरना घर परिवार से मैं समेत बुला लूँगा, ठीक नहीं होगा। आ जा आ जा। आज के बाद अगर किसी पुलिस वाले ने सुपरवाइज दी ना मेरे नज़दीक आकर के, समझ में आई? अरे रेल बनवा दूंगा, नौकरी गई समझो तुम्हारी, समझ में आई? सल्यूट कर लेना, रिपोर्ट करो उसी समय। ये हुआ तजेंद्र पाल बग्गा फुल नेटवर्क, मैं बता रहा हूँ ना यहीं से शुरू हुआ ना सर। घर के एसपीजी सिक्योरिटी उठा रहा नहीं, आरिका में ऐसी ओए होए 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 होए। हाँ भाई छतरपुर एनक्लेव में किस, यही तो है वो बंदा, मैं समझ गया था ये उसी ने उठाया है कल 204 के चक्कर में उठाए। निहारिका में ऐसी नहीं पता आपको? इनके जो चित्र पढ़ने वाले हैं ना, मतलब सोचने वाली बात है यार। अब तुम्हें अपनी तुम्हें लिमिट नहीं पता है? अब तुम पॉलिटिक्स में हो तो पॉलिटिक्स तक रहो ना, पुलिसिंग करोगे तुम जानते हो तुम किसके साथ हाथ मिला रहे हो? ISIS है? तुमने अपना पूरा कैरियर दाव पे लगा के बर्बाद कर लिया तो भुगत पूरी जिंदगी के लिए जो है ना तू जेल में सड़ेगा। अब और इसे बेल मिल गई, जिस जज ने इसे बेल दी, जिस पुलिस वाले ने इसे छोड़ा, रेजर्स बटालियन उसी को कूटेंगे बेटा। सोच लेना, छूटना नहीं चाहिए बंदा। बतावे बग्गा साहब, ऐसा है मैं तेजेंद्र पाल बग्गा साहब आपसे, आपके तेजेंद्र पाल बग्गा के पिताजी से कह रहा हूँ, बग्गा साहब ऐसा है, देखिए बुरा मत मानिएगा, इस उम्र में जो है कहते हैं आपको अगर कुछ बताओ तो बता दीजिएगा, ठीक है? और सुपरवाइज चलाने की जरूरत है नहीं, और जिन जिनको आपने कहा है ना उन्हें बंद करा दो, जो पूरा घर परिवार लपेटे में आ जाएगा, ठीक बात नहीं होगी। और एक बंदा जो भारी से वाजे बात कर रहा है ना, पता करो कौन है, आप उसके उसका ट्रेस दे दो बस, वरना ठीक बात नहीं होगी। और दिल्ली पुलिस सुनाए, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब लोग सुन लो, कोई किसी को भी कहीं से बिठा, ज्यूरिसडिक्शन का कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गई? उठा लिया उठा लिया। हाँ तेरे घर परिवार को नहीं उठाया है, क्रिमिनल है वो, तुम सुन क्यों नहीं रहे थे? हैं? सुन क्यों नहीं रहे थे? उसको उठावे लेके जाओ उसको भी पंजाब पुलिस। हाँ ये सीपी दिल्ली जो है इसको भी बुला पूछताछ के लिए, क्या रहता है बीजेपी पुलिस में। बोला हम पंजाब पुलिस में। चलो भाई चल। कितना हंसाने वाले हैं यार ये लोग, आ जा चल चल। बग्गा की टीम जो है जिसने पहली बार सुना ना मैंने, मुझे ये तो जो बग्गा रहती है, मुझे किराएदार बोल रही मैं, वो तो मकान खाली कर, मैं अब खाली करा इससे। निहारिका मैसी जो है, हाँ मैंने तो कहा भी, मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या मामला है क्या केस है। आश्रम पे बच्चा बेचते हुए पकड़ी गई निहारिका मैसी, पंजाब पुलिस, समझे नहीं समझे? यहाँ छोटे छोटे बच्चों को बेचने का काम चल रहा है, पता ये करना खरीद कौन रहा है?
पता ये करना खरीद कौन रहा है और जा कर रहे हैं। निहारिका मैसी जिनको बच्चा बेच रही थी उस दिन आश्रम पे, वो टीम को बुलाओ यार, स्पेशल स्टाफ की टीम है दिल्ली पुलिस की, वो उनसे जरा पूछो जरा क्या मामला था आश्रम से। नेहा निहारिका मैसी आश्रम पे बच्चा बेचते पकड़ी गई है, क्या मामला था, वो बंदे कौन थे, बंदे उठाए थे ना, उनको ट्रेस करो, बोलो खरीदने वाला कौन है, मैं तो वो चाहिए। बीजेपी में और कौन कौन है, आईएसआईएस कनेक्टर में कौन चला रहा, ये जमात का चला रहा था ना सूर्या, तेंद्रपाल बग्गा को मिला था आईएसआईएस और जमात चला रहा था सूर्या। सूर्या को बुलाओ, बोले चल फटाफट बड़ा सुपरवाइज क्या क्या दी थी। हाँ इन्हें पता नहीं है बेटा, जब आमने सामने बैठा के मुंह पर थुकवाएंगे ना एक दूसरे में, अभी हमें पूछताछ के तरीके पता नहीं है। मतलब इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करोगे हैं? हम तुम्हें अरेस्ट करने के लिए कुछ भी करेंगे। अब पता है खेल में क्या हुआ, पहले दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की आपस में टन रही थी कंपटीशन, और अब जो है ना बीच में ना पंजाब पुलिस वाले उतर गए, यार हम भी हैं। आज आज यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस बढ़िया से ग्रिल करेंगे इंटरपोल वाले, आ जाओ। टेररिज्म की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, टेररिज्म की, पागल हो गए क्या। पंजाब पुलिस, मेरे घर के सामने सेफ हाउस है अनवर खान, कहीं से बिठाओ कैसे भी करके पता करो, एनएसजी वाले की फोटो उल्टी कर रखी है इसने, अनवर खान पंजाब पुलिस लिखो ऑर्डर, टेररिज्म की इंफॉर्मेशन दी है वे, हाँ अलकायदा, अलकायदा का सेफ हाउस है मेरे घर के एकदम सामने के बगल वाला घर है अनवर खान। मैं तब मांग रहा था, मैंने कहा यार मेरे को अमेरिका असॉल्ट लेते, मैं मिनट में खाली करा दूंगा, मिनट में मार दूंगा मैं, हाँ हाँ ट्रिगर है इसके पास बम के, कुछ एक्सेप्ट किया उसने, SPG उठाई थी मैंने, पता लगा था। क्यों नहीं उठा सकते यहाँ से पंजाब पुलिस वाले हैं, क्यों नहीं उठा सकते, तो तुम्हारी आरती उतारे ड्यूटी करने के लिए हैं, नहीं तुम्हारे पहले तुम्हारे आगे नारियल फोड़े तब दिल्ली पुलिस वाले ड्यूटी करेंगे। अरे इनका सीपी गलत है, सीपी ले जा बुला करके, आ जा भाई, बीजेपी पुलिस में कैसे है तू, बीजेपी पुलिस क्या होती है हमें नहीं पता। बुला लो बुला लो बुला लो, आ जा तू भी आ जा, और एकदम सामने आईएसआईएस, बिल्कुल है 100% यार, आईएसआईएस वाले खुद बता के गए मेरे को, बंदा आया कह रहा भाई इन्फॉर्मेशन तो पूरी दे दूंगा, पर हमने यहाँ कोई कुछ नहीं किया, पर ये लोग ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ऑर्डर कहाँ से ले रहे हैं हमें नहीं पता। सामने आईएसआईएस पंजाब पुलिस, जो काम करेगा उसे मिलेगा भाई, बजट लिख लो भाई पंजाब पुलिस 3000 करोड़।
टू एलिमिनेट ISIS फ्रॉम इंडिया। इंटरपोल की तरफ से बजट आपको, आपके ज्यूरिसडिक्शन ऑल ओवर इंडिया में है, पंजाब पुलिस। हाँ थोड़ा ध्यान रखना, मेन बंदा उठाना है, घर परिवार रेड के समय छोड़ना है किसी को। और बुलेट प्रूफ मंगाई उस दिन, फिर इंटरपोल को फोन कर दो, बुलेट प्रूफ भेज देंगे वो, बुलेट प्रूफ भेज देंगे। गन्स चाहिए जो चाहिए मंगा लो इंटरपोल से, 946 लिखो पंजाब पुलिस। नाइन फोर सिक्स एक्टिवेटेड इन पंजाब। पता 946 कोड क्या है? 9 मिलिट्री होता है, लिखो इसको इंग्लिश में NINE 94FOR 6 पुलिस। मिलिट्री फॉर पुलिस, ठीक है, ये है कोड इंटरपोल में 946। मैं हूँ भाई सर। पंजाब पुलिस वाले अपने आप बताएंगे तुम्हें। गिल साहब का स्पेशल ऑर्डर मिल गया है, तो अपने आप भुगतोगे भैया। बुलेट प्रूफ मस्ट है, बुलेट प्रूफ मंगाओ पंजाब पुलिस। 3,000 करोड़ फ्रॉम इंटरपोल टू एलिमिनेट ISIS फ्रॉम इंडिया, भारत से ISIS खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस। 3,000 प्लस है। बताओ यार, मकान मेरा है और मुझे ही जो है किराएदार बता रहे हैं। वाह भाई वाह। हाँ ये तरीका होता है।